हाय हेलेन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो ये हम लोग का यार जावास्क्रिप्ट कोर्स है, जहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट को लेके स्टार्ट जावास्क्रिप्ट को स्टार्टिंग से लेके इन तक देख रहे हैं। तो हम लोगों ने यार डो मैनिपुलेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल बैक, प्रोमिसेस एंड फेच एपीआई के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंक्रोनस एक्शन और एसिंक्रोनस एक्शन क्या होता है। तो मैं क्या है, यहाँ पे ब्राउजर ओपन करूंगा, मैं लिखूंगा सिंक्रोनस एक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सिंक्रोनस एक्शन इन जावास्क्रिप्ट, और मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करके कोई भी यार जो मेरे पास ब्लॉग है मैं उसको देखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल दे किया है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। तो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट, सिंक्रोनस मीन्स इन बिटवीन द सीक्वेंस, इट इज इवनली स्टेटमेंट ऑफ द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। मतलब कि सिंक्रोनस मैनर ऐसा जावास्क्रिप्ट का मैनर होता है जहाँ पे जो कोड होता है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ओपन करूँगा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, कहाँ पे इसको ओपन करूँगा मैं वी एस कोड के अंदर। तो मैं राइट क्लिक करके सोमल ऑप्शन करके ओपन विद कोड करूँगा, एंड इसको मैं ओपन करूँगा वी एस कोड के अंदर। एंड यहाँ पे मेरा ये वी एस कोड के अंदर ओपन हो गया है। मैं सिंपली मुझे गो लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओपन विथ लाइव सर्वर, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे मेरा 5500 पोर्ट पे ओपन हो गया है। बट ये कौन से ब्राउजर में ओपन हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपना 5500 पोर्ट ओपन करूंगा इस पे। तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 5500, और मैं बेसिकली इसको ओपन कर लूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो सर्वर है वो यहाँ पे चल चुका है, एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो रन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज जावास्क्रिप्ट कोर्स, ये मुझे लेके आ रहा है, मतलब मेरा लाइव सर्वर भी अच्छे से रन कर रहा है। तो इसके साथ यार मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो मेरा ये स्क्रिप्ट का है जो फाइल है उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा ऐड करूँगा। तो स्क्रिप्ट कॉलर ऐसा ऐसे भी जाऊँगा, एंड डॉट स्लैश करके जो मेरा स्क्रिप्ट वाला फाइल है उसको मैं करूँगा यहाँ पे कनेक्ट। तो यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट डॉट जेएस मेरा कनेक्ट हो गया। तो मैं किसके बारे में बता रहा था, मैं बता रहा था सिंक्रोनस एक्शन के बारे में। तो सिंक्रोनस एक्शन क्या होता है, ऐसा एक्शन जावास्क्रिप्ट का ऐसा लाइन ऑफ कोड जो कि कैसे चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है, वन बाय वन चल रहा है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू कर रहा हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और मैं कर रहा हूँ इंटर योर नेम, फिर मैं कर रहा हूँ लेट एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंड देन इंटर योर एज, फिर मैं कर रहा हूँ फिर लेट सब्जेक्ट। ठीक है, मैं ये चलो सब्जेक्ट भी पूछ लेते हैं, लेट प्रॉम्प्ट इंटर योर फेवरेट सब्जेक्ट। एंड उसी के साथ मैं यहाँ पे मान लो मैं ईमेल भी पूछना चाहता हूँ, तो मैं ईमेल भी पूछ सकता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंटर योर ईमेल। ठीक है, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट जैसे ही मेरा यहाँ पे रन करेगा तो मैं सबसे पहले प्रिंट करूँगा स्टार्ट, एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इंट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंक्रोनस एक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसका मतलब मैंने बताया कि सीक्वेंस रन करेगा, मतलब कि मैं जैसे ही अपने प्रोग्राम को करूंगा रन, मैं इसको फिर से करता हूँ रन, तो मेरे से सबसे पहले क्या पूछेगा, मेरे से सबसे पहले नेम पूछना चाहिए था। ठीक है, वेट करते थोड़ा सा। ओके, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे मेरे से सबसे पहले क्या पूछा है, नेम, और उसके साथ मैं कैंसिल 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 पे क्लिक करूँ, वेट, और मैं अपना कंसोल जो है मैं इसको ओपन करूंगा कुछ इस तरीके से, एंड मैं कंसोल ओपन रखूंगा, एंड मैं जैसे ही रिलोड करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट आने से पहले क्या हो गया, स्टार्ट मेरा प्रिंट हो गया है। मतलब कि मेरा कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, मेरा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया है, एंड ये मेरे से क्या कर रहा है, ये मेरे से प्रॉम्प्ट अब पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, एंड अभी क्या मेरा सेकेंड लाइन चल रहा है, तो मेरे से नेम पूछ रहा है। मान लो मैं इसमें अपना नेम दे देता हूँ त्रिभुवन शर्मा,
सिंपली एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नेम क्या हुआ है, मेरा नेम यहाँ पे आ चुका है, मतलब सेकेंड लाइन भी क्या हो गया, रन हो गया है। अब मेरा क्या, मेरा एज पूछ रहा है, मतलब कि मेरा थर्ड लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइन का एग्जीक्यूशन है, जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो कैसे है, जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो बेसिकली सिंक्रोनस मैनर में है, मतलब कि एक होने के बाद दूसरा हो रहा है। तो एज के बाद सब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट पूछने के बाद ईमेल पूछेगा, यानी उसके साथ ये इंड करेगा। देखते हैं क्या ऐसा ही हो रहा है। सब्जेक्ट में मैं मान लो मैं देता हूँ हिंदी, एंड ईमेल मेरा है, ईमेल है मेरा example@gmail.com, एंड यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद क्या हो गया, इंड प्रिंट हो गया। तो ये क्या था यार, ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट था, मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट में जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है, वो वन बाय वन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऐसा कभी नहीं होगा यार कि नेम प्रॉम्प्ट करने से पहले ये फेवरेट सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट करेगा, या ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पहले इंड प्रिंट करेगा फिर स्टार्ट प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिंक्रोनस मैनर में हो रहा है। बट जब हम लोग एक एसिंक्रोनस देखते हैं, तो मैं यहाँ पे देखूंगा एसिंक्रोनस के बारे में कहाँ दिया हुआ है। एसिंक्रोनस यहाँ पे देख सकते हो, एसिंक्रोनस के बारे में भी लिखा हुआ है, बट इसके बीच में इमेजेस आ गया है, ये इमेजेस कैसे हटेगा भाई। यहाँ पे देखते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, तो पे देख सकते हो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट इनेबल नन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। इसका मतलब होता है कि जब भी आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपका क्या होगा कि आपका जो कोड है वो ये नहीं होगा कि जो फर्स्ट लाइन चलेगा उसके बाद सेकंड लाइन चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। फर्स्ट का जो एग्जीक्यूशन होगा वो कभी ब्लॉकिंग नहीं होगा, वो क्या होगा कि मल्टी थ्रेडिंग में होगा। वैसे जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में सिंगल थ्रेड होता है, बट ऐसा मान लो कि जो आपका प्रोग्राम है उसमें बहुत सारा थ्रेड बन गया है, वो थ्रेड क्या कर रहा है, वो आपके प्रोग्राम को रन कर रहा है, मतलब कि कंट्रोलर अब सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, एंड वो क्या कर रहा है, आपके प्रोग्राम को रन कर रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड होता है। बट नन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क का मतलब होता है कि आपका कोई भी जो टास्क है वो ब्लॉक नहीं होगा, मतलब कि मान लो यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे जो ये प्रॉम्प्ट था ये ब्लॉक कर रहा था इसके आगे वाले कोड को, लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होगा कि एसिंक्रोनस में सारे के सारे नन ब्लॉकिंग हो गए, कोई प्रोग्राम किसी को ब्लॉक नहीं करेगा, सब इंडिपेंडेंटली रन करेगा। एंड फिर अलाउ कंक्रेंट ऑपरेशन, इंप्रूविंग रिस्पॉन्सिवनेस एंड इफिशियंस, हैंडल ऑफ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग। अब क्या होता है, जब आप एसिंक्रोनस अप्रोच जब भी अपने प्रोग्रामिंग में लाते हो, तो फिर आपका जो टाइम कंज्यूशन होता है कोड का वो बहुत ज्यादा घट जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स यार जो आपका प्रोग्राम ज्यादा टाइम ले रहा था, अब वो प्रोग्राम क्या होगा, बहुत कम टाइम लेगा, एंड वो क्या होगा जल्दी जल्दी। यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड एंड सिंक्रोनस लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडिंग होता है, जावास्क्रिप्ट में मल्टी थ्रेडिंग नहीं होता, सिंक्रोनस लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। बट द कोड इज एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर एट अ टाइम, बट जावास्क्रिप्ट में भी अपीयर एज अ सिक्योरिटी सिचुएशन। मैंने जैसे आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट जो होता है उसमें सिर्फ एक ही थ्रेड होता है, मतलब जो कंट्रोलर होता है वो सिर्फ एक ही होता है, आपका कोड सिर्फ एक ही बार रन कर रहा हूँ, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसे बहुत ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि एसिंक्रोनस है, मतलब एसिंक्रोनस नेचर का है, मतलब कि वो कोई भी प्रोग्राम जो रन करता है तो उसको क्या करता है, ब्लॉक नहीं करता है। दे आर सेवरल मेथड्स दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट विच आर लिस्टेड बिलो, जैसे कि यार कॉल बैक का यूज करो, प्रोमिसेज यूज करो। यहाँ पे मैं कॉल बैक प्रोमिसेज आगे आपको बताऊंगा, बट आपको सिंपली मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा जो कि एसिंक्रोनस नेचर का होगा, एंड वो क्या होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कंसोल लॉग, ये सबसे पहले तो स्टार्ट ईमेल कर देता हूँ, ताकि आपको पता चला है कि हाँ मेरा प्रोग्राम अब स्टार्ट हो गया। जैसे ही मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सेट टाइम आउट या फिर सेट इंटरवल का यूज। तो सेट इंटरवल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट के कोर्स को आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने आपको सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के बारे में बताया था ये वाला वीडियो में, तो इसको आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो सेट इंटरवल क्या करता है, सेट इंटरवल एक हाइडल फंक्शन होता है जो कि अपने अंदर एक फंक्शन लेता है, जो कि खुद एक फंक्शन होता है एंड अपने अंदर भी एक फंक्शन लेता है। एंड सेट इंटरवल क्या होता है, वो बार बार रन करता है, मतलब मैं इसमें मैं एक टाइम दूंगा एंड उस टाइम के डिले में ये बार बार रन करे। तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो फंक्शन है ना, ये कंसोल लॉक करता है, मान लो कि ये कंसोल लॉक करता है, दिस इज अमेजिंग। एंड उसी के साथ ये कंसोल लॉक फिट करता है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेट इंटरवल मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया है जो कि क्या कर रहा है, दिस इज अनदर, मतलब कुछ कंसोल कर रहा है कितने सेकंड पे, 2 सेकंड लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 सेकंड लगा दिया। उसके बाद मैं फिर से एक सेट इंटरवल लगाता हूँ, सेट इंटरवल लगाता हूँ। सेट इंटरवल भी अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होगा जो कि कंसोल लॉक कर रहा होगा, दिस इज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अनदर आउटपुट। ठीक है, और ये करेगा हर 4 सेकंड पे या 3 सेकंड। ठीक है, और उसके बाद कंसोल लॉक करेगा, क्या कंसोल लॉक करेगा एंड। अब इसको रन करने के लिए अगर आप इसका जब देखोगे, ये जब भी रन करेगा, मैं रिलोड करता हूँ तो फिर देखो स्टार्ट इंड ही पहले आ गया। यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टार्ट इंड जो है वो वही पहले आ गया है, इसको ये कर देता हूँ वो चीज़ देखे। तो मैं जैसे यहाँ पे रिलोड करूंगा, यहाँ पे देखना स्टार्ट इंड ही पहले आ गया, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो ये वाला स्टार्ट पहले प्रिंट हुआ देन इन प्रिंट हो गया, मतलब कि यार ये जो प्रोग्राम है ना, ये जो इतना प्रोग्राम है वो जो है वो इसको ये अपने जो एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक जो है ना, मतलब कोड का जो एग्जीक्यूशन है उसको रोका ही नहीं। ये बोला कि अच्छा तुमको 2 सेकेंड लगेगा रन करने में, तो क्या करो तुम आगे रन करो। फिर ये सेट इंटरवल के पास आई, बोला कि मेरे को 3 सेकेंड लगेगा, तो ये अच्छा है 3 सेकेंड लगेगा, तो क्या हो गया फिर ये कंसोलर इनको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे जो नेचर दिख रहा है मेरे को जावा, मतलब हम लोग को जावा सिम का जो नेचर दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, वैसे ही बंदर दिख रहा हूँ, मतलब कि वो अपने जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको रोक नहीं रहा है और अपना प्रोग्राम जो है वो ऐसे रन कर रहा है। अभी देख सकते हैं ये 2 सेकंड पे ये प्रिंट होता है, हर 3 सेकंड पे ये प्रिंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो 2 सेकंड पे ये प्रिंट होता है, हर तीसरा सेकंड ये प्रिंट होता है। तो सेट टाइम आउट भी है, वो क्या हो रहा है सेट टाइम आउट भी अपना इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है। तो आज मैंने बताया यार, बाकी ये तो जावास्क्रिप्ट कोर्सेज को आप लोग फॉलो कर लेना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।